संवाददाता प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जहां जहां पर भी इस वक्त वोटिंग चल रही थी इससे पहले तक, क्योंकि समय सीमा खत्म हो चुकी है, जरा ग्राउंड जीरो से आपको दिखाते हैं तस्वीरें। सौरभ हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उमंग हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक एक करके मैं सभी के पास आऊंगा, लेकिन सबसे पहले जरा उमंग मैं आपके पास आ रहा हूं। उमंग, सबसे पहले क्योंकि अभी तक वोटिंग जो है वो रुक चुकी है, थम चुकी है, अब ऐसे में आज जो सुबह से ही लगातार लोगों का जो जमावड़ा था वो पोलिंग बूथ पर नजर आ रहा था, आप ऐसे में क्या चीजें, कुछ अलग तरीके की तस्वीरें देखने को मिली? जी बिल्कुल, मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर कानपुर देहात की अगर बात की जाए तो कानपुर देहात में शाम का 6 बज चुका है और यहां पर अभी 59.11% शाम के 5 तक मतदान हो चुका है। वहीं अगर सबसे खास बात की जाए तो इस बार नौ युवक और महिलाओं को इस बार काफी उत्साहपूर्वक देखा गया है। महिलाओं को दोपहर 12 बजे से मतलब 2 बजे वोटिंग कितने महिलाओं की ऊर्जा देखने को मिली है। महिलाओं ने इस बार बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। वही अगर युवाओं की बात करें तो युवाओं ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और युवाओं ने अपने घर परिवार का, अपने दादा बाबा तक का सबका वोट लेके आए और उसको डलवाया है। वही अगर हम बात करें शाम का 6 बज चुका है, इस समय हम पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं और यहाँ पर सन्नाटा छा गया है और अगर हम यहाँ पे अगर हम बात करें तो भाग संख्या 94 और 95 में खड़े हैं। इस समय बोगनीपुर विधानसभा के पोखराया कस्बे के रामस्वरूप ग्राम उद्योग मतदान केंद्र पर खड़े हुए हैं, जहाँ पर पूरी तरीके सन्नाटा पसरा हुआ है और यहाँ पर ईवीएम सील की जा रही है और यहाँ पर वोटिंग पूरी हो चुकी है। और वही अगर हम बात करें यहाँ पर यादव लैंड की, तो यादव जो गांव है, यादव जो वोट है, वहां पर अभी भी लाइनें लगी हुई हैं और वो वहां भी अभी मतदान जारी है। जी बिल्कुल, और ये अपने आप ही बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है ये समझना कि यादव बेल्ट के अंदर जब चुनाव हो रहे हैं तो इसमें समर्थन किसको मिलता है, क्योंकि जातिगत वोट बैंक के आधार पर भी इसको अलग अलग श्रेणियों में बांटा जाता है और इसीलिए इसी आधार पर जो है अलग अलग राजनीतिक दल वोटर्स पर अपनी नज़र बनाए रहते हैं। लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, जरा मैं सिराज को भी जोड़ रहा हूँ, हमारे संवाददाता सिराज भी हमारे साथ है, मुनीश भी हमारे साथ है। मैं सिराज आपके पास जल्दी से जरा आ रहा हूँ, सिराज मैं जल्दी से आपका रुख कर लेता हूँ और जरा आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि जो मौजूदा वक्त में समीकरण आज के लिहाज से देखने को मिल रहे हैं, यादव लैंड पर भारतीय जनता पार्टी की जो नजर है आप बहुत हद तक परिवर्तन और पहले के मुकाबले ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करने की जो कोशिश है उसमें जो कैंपेनिंग है उसको आप किस लिहाज से देख रहे थे और आज जब लोगों की भीड़ वोटिंग सेंटर्स पर पहुंची है तो क्या नजर आ रहा है? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी हम जनपद जालौन के वोटरों के समीकरण की बात करें तो जनपद जालौन में लगातार तीनों विधानसभा सीटों पर अलग अलग समीकरण सामने आ रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की जो लड़ाई है वो उरई की हॉट सीट पर है और हम देखें अगर कालपी विधानसभा है तो कालपी विधानसभा और माधोगढ़ विधानसभा दोनों की फाइट अलग अलग है। लेकिन इस विधानसभा सीटों के आसपास वोटिंग की गई सबसे मुख्य रूप से मुकाबला किसमें नजर आ रहा है, हॉट सीट कौन सी रहने जा रही है जिस पर सभी की निगाहें आकर के टिकी हूं? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा हॉट सीट जो है वो इस टाइम जनपद जालौन की सदर सीट जो है उरई विधानसभा की वो बनी हुई है, जिसमें कांटे की टक्कर है समाजवादी पार्टी से और भाजपा पार्टी से, जिसमें लगातार कांटे की टक्कर सुबह से ही वोटिंग हो रही है, सुबह से ही कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। जी चलिए ठीक है सिराज, वापस लौटता हूँ जरा मुनीश, हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मुनीश जरा जल्दी से एक रिएक्शन इस पर, क्योंकि अभी तक जो वोटिंग है वो थम चुकी है, वोटिंग अब उसके लिए जो समय सीमा थी वो खत्म हो चुकी है, अभी भी लोग हैं जो लाइनों में हैं। हाँ मैं आपको बता दूं आज जो है 15 जनों का तकरीबन 59 सीटों पर चुनाव सुबह 7 बजे से लेकर 6 बजे तक चला है और आज जो वोटर है कुछ लोग अपनी लाइनों में लगे हुए हैं। वही अगर वोटर जातिगत आंकड़ों की बात की जाए तो जो जनपद काशिम की 3 विधानसभा है अमापुर काशिम और पटियाली विधानसभा बहुत हॉट सीट मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री एक बार जो है एक जो प्रत्याशी है भाजपा के उनके पक्ष में सभा कर चुके हैं। वही एक काशिम विधानसभा सीट है जहाँ पर तेल मंत्री मानपाल सिंह वर्मा है, उनके सामने वर्तमान में विधायक है देवेंद्र सिंह राजपूत, जहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सभा कर चुके हैं। वही ये दोनों जनपद की दोनों हॉट सीट है, बहुत ही हॉट सीट मानी जा रही है। वही 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का पार्टी ने जो है तीनों विधानसभाओं का अपना कब्जा किया था, लेकिन एक बार जो चुनाव में जो टिकट का जो वितरण हुआ है वो जातिगत आंकड़ों के हिसाब से हुआ है। अमापुर विधानसभा पर 2 7 वोटों पर जो अमापुर विधानसभा जो है 7 बहुमत सीट है, जहाँ 2 7 लड़ रहे एक बीएसपी से समाजवादी पार्टी से,
यहाँ हमारे विधानसभा में सीधे सीधे टक्कर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की देखने को मिल रही है। वहीं पटियाली विधानसभा की बात की जाए तो वहाँ मुस्लिम बहुमत की टीपीडीपी नंबर एक पे जो है समाजवादी पार्टी है, नंबर दो पे भारतीय जनता पार्टी है। अगर कैप्टन की बात की जाए तो कैप्टन में जो एलआर बोड़ा जो लोधी राजपूत है वो बहुमूल्य है, वहाँ समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की सीधी सीधी टक्कर है। ये मुख्य मुकाबला है और इसलिए मुकाबला बेहद दिलचस्प माना जा रहा है। मैं जरा सौरभ का भी रुख कर लेता हूँ। सौरभ, अभी तक क्या देखने को मिला है और क्या बड़ी खबर आज आपके पूरे आसपास रही है? देखिए शुभेंदु, यहाँ फिरोजाबाद में जो मतदान की स्थिति है, अभी 6:10 से अधिक का समय हो रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मैं तिलक विद्यालय इंटर कॉलेज में यहाँ खड़ा हूँ। पीछे तस्वीरों में आप देखेंगे जो लोग शेष यहाँ रह गए हैं अंदर, वो मतदान कर रहे हैं एक दो लोग, बाकी सभी लोग जा चुके हैं। अब बात कर लेते हैं जाते गणित की, सभी पांचों सीटों पे तो फिरोजाबाद की जो सदर सीट है उस पर मनीष सतीजा लगातार दो बार से विधायक है, भारतीय जनता पार्टी के इस बार तीसरी बार प्रत्याशी है। और यहाँ समाजवादी पार्टी और कमल का फूल भारतीय जनता पार्टी, इन दोनों के बीच पांचों सीटों पर टक्कर भारी देखी जा रही है। और यहाँ सबसे हॉट सीट सिरसागंज मान के चली जा रही है, जहाँ पे समाजवादी पार्टी ने जो अपना प्रत्याशी है वो जो है उतारा है, जिसके लिए अखिलेश यादव ने दो बार यहाँ सभाएं की। तो ऐसे में यहाँ सैफई परमार की प्रतिष्ठा दांव पे। वही अगर बात करें हरिओम यादव, जो पहले समाजवादी पार्टी के विधायक रहे हैं, इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दिया है। और सैफई परमार के चूंकि रिश्तेदार हैं तो उनकी भी प्रतिष्ठा दांव पे। ऐसे दिलचस्प बात यह है कि सिरसागंज सीट पर पलाम क्या आते हैं, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा जो चुनौती है हरिओम यादव के लिए वो यादव जो वोट है उसको ट्रांसफर कराने की बड़ी चुनौती है। तो इस तरह अगर देखा जाए तो सिरसागंज, शिकोहाबाद और सभी पांचों सीटों पर साइकिल और बीजेपी की एक कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है शुभेंदु। और जाहिर तौर पर इसलिए मुख्य मुकाबले में दो बड़े राजनीतिक दल नजर आते हैं। लेकिन ऐसे में उमंग, जरा एक चीज, क्योंकि ये जो है यादव बेल्ट जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, इसमें समाजवादी पार्टी और उनके गठबंधन के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि बार बार इस बात को देखा जा रहा है कि अगर जातिगत समीकरणों को भी देखा जाए तो इसमें समाजवादी पार्टी के लिए बहुत कुछ इस पूरे बेल्ट से पाने के लिए बहुत कुछ है और खोने के लिए भी बहुत कुछ है, और इसीलिए बीजेपी लगातार इस बेल्ट के अंदर अपनी सेंधमारी कर रही है। देखिए बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो कानपुर देहात की चार विधानसभा जो सीट है, 2012 तक ये सपा का गढ़ कही जाती थी, लेकिन 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने इस किले को उसी किले को फिर दोबारा फतेह करने के लिए समाजवादी पार्टी ने जीतों से यहाँ मेहनत की। और यहाँ पर जो चार विधानसभा सीट है, चाहे वो अकबरपुर रनिया विधानसभा हो, चाहे वो भोगनीपुर विधानसभा हो, चाहे वो सिकंदरा विधानसभा हो या रसूलाबाद विधानसभा हो, हर जगह जबरदस्त समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त टक्कर देखने को मिली है। वही हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के जो राज्य मंत्री है अजीत पाल, उनकी जो सिकंदरा विधानसभा में इस बार जबरदस्त देखने को मिल रहा है, और उस सीट पर जबरदस्त दो बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद मीटिंग कानपुर देहात में की है। अब देखने वाली बात यह होगी कि सिकंदरा विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी इस बार फिर दोबारा अपना किला सजा के बैठेगी या नहीं। वहीं अगर हम बात करें भोगनीपुर विधानसभा की, तो भोगनीपुर विधानसभा जो की यादव लैंड वोटरों से भरी हुई, यहाँ पर जो यहाँ का मतदाता है, अगर यहाँ के मतदाता की बात करें तो आप साफ तौर से देख सकते हैं, शाम का 6:00 है और यादव बहुमूल जो बूथ बने हैं वहां पर अभी भी बताया जा रहा है कि वहां पे अभी भी 50-60 लोग अभी भी लाइन पर लगे हुए हैं, कतारें लंबी लंबी लगी हुई है। तो इससे यही समझ में आता है कि इस बार यादव बहुमूल उमंग और हमारे सभी संवाददाता आप हमारे साथ बने रहिए, मैं वापस दौड़ता हूँ जरा।